नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली की हालत ऑक्सीजन की कमी से बहुत खराब थी, लेकिन जब से केंद्र सरकार ने 5 ऑक्सीजन टैंकर्स दिए हैं तब हालत पहले से ठीक है। और केजरीवाल ने केंद्र सरकार और कुछ एनजीओ को भी शुक्रिया अदा किया है। और क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, आइए देखते हैं कॉन्फ्रेंस। सबको नमस्कार। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे हम रात दिन लगे हुए हैं और कुछ जो अहम कदम उठाए गए हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये देखने में आया है कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। पिछले 4-5 दिन में मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहुत लोगों के ऑफ़र आए हैं, उन सब के साथ बातचीत चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। उनमें से कई लोग मदद कर रहे हैं, बस उन्होंने मोस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखी है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम आपकी वैसे ही मदद करेंगे। ये तो और भी बड़ा बड़प्पन है। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं भी काफ़ी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए, कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुँची और कई सारे लोगों की मृत्यु ना हो जाए। पूरी पूरी रात जाग के हमने बिताई है। एक एक फ़ोन कॉल आता था, SOS आता था, मैसेज आता था कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, उसको तुरंत कहीं ना कहीं से इंतजाम करके हम लोग ऑक्सीजन भिजवाते थे। लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इश्यूज थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार ने दिल्ली को, केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स दिल्ली के लिए, 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डीले हो गया था जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है,
जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले एक महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो हम लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सारी सरकारों के साथ, सारे देश में राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के साथ, उद्योगपतियों के साथ, सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। और मेरी यही एक उम्मीद है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पे जीत नहीं पा सकते। नमस्कार। तो आपने देखा दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने क्या कहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।